गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड पोएम मदर्स डे ऑफ प्लस वन क्लास. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हिज व्यू अबाउट द मदर्स डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वंस अ ईयर. इट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द मदर बाय शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली. The poet says that dedicating a single day in the whole year to mothers is of no use. It is nothing but disrespect to mother. इसमें poet ने ये कहा है कि हम मदर्स डे यूरोपियों की भांति मनाना तो हमने शुरू कर दिया, तो हम एक दिन मदर्स डे के लिए मदर को डेडिकेट करते हैं, तो इस दिन क्या ये ठीक है? नो, ये तो एक मदर के लिए उसके लिए डिसऑनर वाली बात. तो लेट अस स्टार्ट, वी डू इट डिफरेंटली इन दिस डार्क कॉन्टिनेंट, नॉट जस्ट वंस ए ईयर. ए स्ट्रिंग ऑफ स्प्राउस वर्सेस एनक्लोज्ड इन ए बकेट शेप लाइक ए चाइनीज हाउस ऑफ ट्रीज. इसमें उन्होंने बताया कि हमारे भारत में मदर्स डे हम अलग तरीके से पेश करते हैं, हम अलग तरीके से मनाते हैं. हम नॉट जस्ट वंस अ ईयर, यानी कि साल में सिर्फ एक दिन हम अपने मदर के लिए नहीं रखते, बल्कि हम सारा साल अपने मदर को किस तरह से विशेष करते हैं, किस तरह से उसकी देखभाल करते हैं, तो इस तरह से हमें अपना मदर्स डे मनाना चाहिए. ना कि यूरोपियों की तरह, दूसरे देशों की तरह, जो कि सिर्फ एक दिन अपनी माता को, अपनी माँ को एक इसके लिए कुछ कविताएं लिखकर या उसको एक फूलों का गुलदस्ता देकर उसको घर में कैद करके एक साइड पर रख देते हैं, और वो मदर के लिए एक डिसरेस्पेक्ट वाली बात होती है. मदर इज़ मोर डिमांडिंग एन ऑब्सेंस एट ईच सनराइज लाइक ए डिवोट थ्रोइंग ए हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द बर्ड्स होल्डिंग ए कैंडल ड्रम बिफोर एन आइडियल. तो इसमें कहा है कि माँ जो है इससे ज़्यादा वो चाहती है कि एक बच्चा सूर्य निकलने से पहले उठे और सुबह का जो अपनी शुरुआत है वो उसके पैरों को टच करके उसका आशीर्वाद लेकर वो अपनी शुरू करे अपने दिन की शुरुआत. और सुबह उठकर लाइक इट वो थ्रोइंग ए हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द बर्ड्स, और पीले रंग के जो चावल हैं वह सुबह उठकर एक मुट्ठी पक्षियों को डाले, और सुबह होल्डिंग ए कैंडल, और एक भगवान की जैसे पूजा की जाती है हाथ में कैंडल या दिया जलाकर, तो इस तरह से वो सुबह उठ के भगवान की पूजा करें. जस्ट वंस ए ईयर इज डिस क्रिएटिंग इट, लेकिन सिर्फ एक दिन उठकर उसके लिए मनाना तो उसकी बेइज्जती करने के बराबर है. वेन एवर आई सी ए कैटरपिलर स्लॉन्चिंग टुवर्ड्स ए पेनिस आइस ओ हियर एनस्टर वॉइस इन ए विंड्स हाउल आई इनवोक माई डाइटी समटाइम्स ट्वाइस ए डे. कहते हैं कि जब भी कभी कोई कीड़ा, कैटरपिलर का मतलब होता है एक रेंगता हुआ कीड़ा, उसकी तरफ आता है, तो उस वक्त अचानक हमारी जो आँखें हैं वो बड़ी बड़ी होकर उस कैटरपिलर को देखती हैं, तो एकदम से मुंह से क्या आवाज़ निकलती है? माँ का ही शब्द निकलता है. और हियर एन एस्टल वॉइस इन ए विंड्स बो, जब भी कई बार तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि हवा में उड़ जाने के बराबर होता है, तो उस वक्त उस हवाओं में भी हमें अपने पूर्वजों की याद आती है. और उसी वक्त फिर भी इन आई वॉक माई डर्टी समटाइम्स ट्वाइस ए डे, और कई बार नहीं बल्कि एक बार नहीं बल्कि कई बार हम अपनी माँ को एक दिन में याद करते हैं. तो जब इसका मतलब कहने का है, जो माँ हमें इस दुनिया में लेके आई है, जिसकी वजह से हमारा ये वजूद है, जिसकी वजह से आप हम जिंदा रहते हैं, तो उसके लिए एक दिन सेलिब्रेट करना तो उसकी डिसरेस्पेक्ट करने के बराबर होता है. हम उसे एक बार नहीं बल्कि हमें कई बार भी एक दिन में उसको याद करना पड़े तो हमें याद करना चाहिए, क्योंकि वो माँ जो हमें हर वक्त हमारी केयर करती है, हमें हर वक्त हमारे लिए प्रे करती है, तो उसको हमें एक दिन नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसकी देखभाल करनी चाहिए. तो यही है हमारी, मतलब कि मदर्स डे के लिए असल में हमारी प्रेयर.
हेलो बेटा, मदर्स डे पोइम की समरी ऑलरेडी हमने कर ली है। अब हमने मदर्स डे का सेंटर आइडिया करना है। तो गिव ए सेंटर आइडिया ऑफ मदर्स डे। इन दिस पोइम मदर्स डे इज रिटन बाय शिव के कुमार। ये शिव के कुमार के द्वारा लिखी गई पोइम है मदर्स डे। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब हिज व्यू। इस पोइम में पोइट अपने विचार मदर्स डे के बारे में बताता है, विच इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वंस ए ईयर, जो कि सारे संसार में साल में एक बार मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द मदर बाय शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फैमिली। ये अपनी मदर के लिए, उसके सम्मान में, उसको ऑनर करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, जो उसने योगदान अपनी फैमिली के लिए दिया हुआ है, उसको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। द पोइट सेज दैट डेडिकेटिंग ए सिंगल डे इन द होल ईयर टू वंस मदर इज ऑफ नो यूज। तो इसमें पोइट कहता है कि एक ही दिन मदर्स के लिए, सिंगल डे इन द होल ईयर टू वंस मदर इज ऑफ, एक दिन उसके लिए, माँ के लिए रखना, इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट डिसरेस्पेक्ट टू द मदर, बल्कि अपनी माँ के प्रति डिसरेस्पेक्ट शो करना है। उसके प्रति हम जैसे अनादर की भावना शो करते हैं। डेडिकेटिंग हर टू हर वन डे ऑफ द ईयर लीव्स ए क्वेश्चन ऑन द रेस्ट ऑफ 364 डेज ऑफ द ईयर। अब उस सिर्फ साल में एक दिन माँ के लिए, तो एक हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ता दिमाग में कि 364 डेज सारे साल में उस वक्त हमें माँ का सम्मान क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट असल में मदर इज़ ब्लेसिंग फॉर लाइफ, माँ हमारी जिंदगी का के लिए एक आशीर्वाद है। शी गेव अस लाइफ, उसने हमें ज़िंदगी दी है, ब्रॉट अस इन दिस वर्ल्ड, और हमें इस संसार में लेके आई है। सो वी ओ आवर होल लाइफ टू हर, इसलिए सारी जिंदगी हम उसको समर्पित कर सकते हैं। देन हाउ कैन वी डेडिकेटेड हर जस्ट वन डे ऑफ द ईयर, तो हम किस तरह से उसको सारे साल में एक दिन डेडिकेट कर सकते हैं, एक दिन उसको सम्मानित कर सकते हैं। द पोइट इज अगेंस्ट दिस व्यू ट्रेडिशन, जो कवि है वो इस रिवाज के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। इन दिस पोइम ही एक्सप्रेसेस हिज व्यू इन दिस रिगार्ड, उसने अपने विचार इसके बारे में रखे है। ही वांट टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर आवर मदर, अगर आप अपनी माता के प्रति कुछ भी सम्मान रखते हो, वी शुड नॉट इंडल्ज इन सच यूजलेस सेलिब्रेशन, रादर वी शुड ऑनर आवर मदर बाय सर्विंग देम। तो हमें ऐसी यूजलेस सेलिब्रेशन में भाग नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी मदर का सम्मान, उसकी सेवा करके करना चाहिए। तो ये सारी पोइम हमारी इस चीज़ के ऊपर जोर देती है बेटा, कि माँ जो है, जो हमें इस ज़िंदगी में हमारी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि माँ जो है वो हमें इस संसार में लेकर आई है, उसने हमें जन्म दिया है। वो सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना, क्या पीना, क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमारी सारी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए वो हर वक्त वो तैयार रहती है। तो फिर हम सारा दिन जो हमारे लिए इतना करती है, तो साल में क्या एक दिन उसके लिए हम सेलिब्रेशन करेंगे? नहीं, हमें तो हर दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर दिन उसके सम्मान में, उसकी सेवा करके, उसकी देख रेख करके उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारी पोइम है। थैंक यू बेटा, हमारी पोइम ये कंप्लीट होती है। तो जिन बच्चे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारी पोइम देख रहे हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बेटा। और हमारे ये सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।